आपके साथ लक्षित। अभी बात करेंगे क्रिकेट के मैदान की सबसे बड़ी राइवलरी यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले के बारे में, और इस बार इस राइवलरी का रोमांच शायद और भी ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि मंच जरूर है एसीसी इमर्जिंग एशिया कप का, लेकिन इस बार ये फाइनल मुकाबले की चुनौती है जहां पर इंडिया ए और पाकिस्तान ए की टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। इस वीडियो में आपको बताएंगे इन दोनों ही टीमों के अभी तक के परफॉर्मेंस के बारे में और उसके हिसाब से एक एनालिसिस करेंगे कि इंडिया ए ज्यादा भारी पड़ सकती है पाकिस्तान ए पर या फिर पाकिस्तान ए की टीम इतना दबदबा बना सकती है भारतीय टीम के ऊपर जो यहां से इस बड़े फाइनल मुकाबले को अपने नाम पर करने का दमखम रखती है। सबसे पहले इन दोनों टीमों के कंपैरिजन के अंदर अगर देख लिया जाए, पाकिस्तान की स्क्वाड के अंदर कुल ऐसे 8 खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, जबकि इंडिया की पूरी स्क्वाड के अंदर कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो आज तक इंडिया की सीनियर टीम की स्क्वाड में भी कभी आया हो। तो ये कहीं ना कहीं साफ काफी बड़ा डिफरेंस है कि एक तरफ पाकिस्तान के एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं तो दूसरी तरफ से इंडिया की एक यंग साइड है। अगर इन दोनों टीमों के सेमीफाइनल के परफॉर्मेंस पर नजरें डाली जाएं तो पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को मात दी थी सेमीफाइनल के मुकाबले में, हालांकि उस मुकाबले में एक समय पर श्रीलंका की भी काफी मजबूत पकड़ थी, लेकिन अंततः पाकिस्तान वहां जीता और इंडियन टीम ने बांग्लादेश की टीम को एक शानदार गेंदबाजी के तरीके के साथ, एक शानदार गेंदबाजी की परफॉर्मेंस के साथ, जहां निशांत सिंधु हीरो रहे थे वहां भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जीत की पटकथा लिखी थी। अब इसके बाद अगर देख लिया जाए फाइनल मुकाबले के बारे में, इंडिया जीतेगा या फिर पाकिस्तान जीतेगा, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में बल्ले के साथ और गेंद के साथ कौन से खिलाड़ी टॉप पर रहे हैं। अगर आप यहां पर टॉप 4 बल्लेबाजों को देखें तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता है 255 रन बनाने के साथ श्रीलंका के बल्लेबाज जमाइका करुणारत्ने का, जबकि उसके नीचे दूसरे नंबर पर मौजूद है इंडियन टीम के कप्तान यश ढुल जो 60 रन पीछे हैं, 195 रन इन्होंने बनाए हैं। और ऐसा भी हो सकता है अगर कहीं 61 रन आ जाते हैं यश ढुल के बल्ले से तो हमारे कप्तान बन सकते हैं इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर।